हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो सबसे पहले यू हैप्पी न्यू ईयर ये नया साल आपके लिए आपके जीवन के अंदर में नई उमंग लाएं और आप अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा बढ़ते रहें यही मेरी दुआ है आप हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप सोचोगे कि सर ये बताओ कि रात में भी आप क्यों आ जाते हो यार सुबह शाम सुबह शाम कभी शॉर्ट्स बनाते हो कभी कोई टॉपिक पढ़ाते हो अरे यार आज के दिन तो छोड़ देते हैं भैया आज के दिन तो हम छोड़ देते हैं आपको लेकिन हमने छोड़ा क्यों नहीं रीजन तो समझ लीजिए मुझे भी ऐसी न्यूज मिली ना कि छोड़ने का मन नहीं किया बोला अभी क्लास नहीं लिया तो मजा नहीं आएगा फिर कल तो फिर ये बासी हो जाएगा ताजा न्यूज लेना है भैया ताजा न्यूज पढ़ने का मजा ही अलग है तो आई होप आपने आज का दिन इंजॉय किया होगा कल का दिन भी इन्जॉय किया होगा अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं एक बार अपनी जर्नी में जब आप आगे बढ़ जाते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद एंजॉयमेंट जरूर होगा टेंशन मत लीजिए बाकी आपको मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन और आपके फैमिली को भी अब आप सोचोगे सर ये बताओ ये सब तो ठीक है पर न्यूज है क्या बता रहा हूँ सबर करो न्यूज क्या है न्यूज़ ये है कि रिसेंटली मैंने क्या बताया था शॉर्ट्स के अंदर में वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में जो अब योजना सीरीज के शॉर्ट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनकी बातें तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ अब जिनको नहीं पढ़ना है तो मैं कुछ कर नहीं सकता लेकिन जो लगातार बने हुए हैं जो बच्चे कमेंट करते हैं जो बच्चे देखते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत इम्पोर्टेंट था कि उसमें आज हैप्पी न्यू ईयर के रूप में सरकार के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा भी कुछ नया ऑफर दिया गया है ये ऑफर क्या है सर ये ऑफर क्या हमारे लिए है नहीं यार ये तुम्हारे लिए नहीं है लेकिन जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं उनके लिए ये भरपूर बड़ा ऑफर है बड़ा ऑफर क्या है कि जिस पीडीएस सिस्टम के अंदर अनाज का सब्सिडाइज वे में वितरण किया जाता था यानी जो अनाज सस्ते दरों पर गरीबों को उपलब्ध कराए जाते थे वो अब मुफ्त मिलने वाला है वो भी पूरे एक साल के लिए क्या बात कर रहे हो सर जी हां झटके तो मुझे भी लगे हैं कि इतना बिग डिसीजन एक तारीख को लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि अब जो भी वन नेशन वन राशन कार्ड के अंदर में एलिजिबल होंगे अंतोदया अन्य योजना के अंदर में एलिजिबल होंगे एक और मेटम बोल रहा हूं अभी आगे बताऊंगा उसके अंदर भी एलिजिबल होंगे तो उनको क्या मिलेगा मुफ्त राशन मिलेगा पूरे एक साल तक यानी दो रुपए किलो तीन रुपए किलो वाला भी झमेला जो है यहाँ खत्म कर दिया गया है लेकिन 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 ट्विस्ट आगे बताऊंगा अभी इस ट्विस्ट को आप एनालिस करोगे ना मैंने इसलिए लिखा है एनालाइसिस एनालिस करना है न्यूज का ट्विस्ट को जब मैं आगे ट्विस्ट करूंगा ना तब आपको पता चलेगा भैया ट्विस्ट तो गजब था गजब क्या था बताता हूं अभी आगे। तो न्यूज मैंने बता दी कि आज से यानी एक जनवरी याद रखिएगा आज कितना है एक ऐसे गलत लिखा गया क्योंकि माउस से लिखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो एक जनवरी आज क्या है एक जनवरी है और क्या है टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो इस दिन से भारत सरकार क्या करने जा रही है एक साल तक राशन कार्ड वालों को मुफ्त अनाज देने जा रही है तो इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर टू से टॉपिक्स कवर करेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन तो मैंने आपके सामने न्यूज भी शेयर की है कि 81 करोड़ जो बेनिफिशरीज हैं किसके अंदर में अंतोदया अन्न योजना के तहत यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में 81 करोड़ जो बेनिफिशरीज हैं उनको मिलने वाला है मुफ्त राशन पानी ठीक है ये भारत सरकार का नया स्कीम है नया इंटीग्रेटेड स्कीम है इंटीग्रेटेड स्कीम का मतलब क्या होता है इंटीग्रेटेड स्कीम का मतलब होता है कि अगर दो स्कीम को एक साथ मिला दिया जाए तो उसको हम लोग इंटीग्रेटेड स्कीम बोलते हैं ठीक है थीके? तो सेंटर ने रोल आउट कर दिया है क्या न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम एक जनवरी 2023 से जहां यूनियन कैबिनेट के द्वारा यह साफ साफ स्पष्ट रूप में कह दिया गया है कि अब हम लोग देने जा रहे हैं फ्री फूड ग्रेन्स 81 करोड़ से भी ज्यादा बेनिफिशरीज को जो किसके अंदर में आते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में आते हैं तो 2023 से यानी एक जनवरी मैं फिर से गौर कर रहा हूं, आपके बात पे, थोड़ा मॉथ से प्रॉब्लम होगा लेकिन देख लीजिएगा एक जनवरी से लेके अगर मैं बात करता हूं तो इकतीस दिसंबर यहां थोड़ा एक पॉलिटिकल बात बोल लूंगा अगले साल इलेक्शन है तो वन पॉइंट फाइव ईयर्स तो ऐसे ही ले लो <laughs> देखो बात तो रखना पड़ेगा ना आपके सामने की आप तो आई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं खुल के अपनी बातें रख सकता हूँ और आशा करता हूँ आप भी इसे ऐसे ही लेंगे पॉलिटिकल ना बनाएंगे तो एक जनवरी से इकतीस दिसंबर दो तक मुफ्त राशन मिलने वाला है जो भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में आते हैं उनको इस, इस स्कीम के तहत इसका एम क्या था जब इनसे पूछा गया कि भैया जी ये करने का आपका एम क्या है तो इन्होंने कहा ना कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना 2013 वाला उसको हम क्या करना चाहते हैं मजबूती देना चाहते हैं थोड़ा सा उसको क्या देना चाहते हैं मजबूती देना चाहते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं ए थ्री फार्मूला ये मैंने लिखा है ए थ्री फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे दैट इज एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी और एवेलेबिलिटी एक्सेस भी हो एफोर्डेबल यानी प्राइस और एफोर्डेबिलिटी का मतलब तो मुझे यहां एक चीज समझ में नहीं आ रहा है आप जरा बताना कमेंट बॉक्स में कि जब हम मुफ्त राशन वितरण करेंगे तो क्या एफोर्डेबिलिटी आएगी एफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या होता है सही वे में तो ये चीज आपको पकड़ना है ऐसे आपको न्यूज का एनालिसिस करनी है एक्सेसिबिलिटी तो ठीक है एवेलेबिलिटी भी ठीक है लेकिन एफोर्डेबिलिटी जो कॉन्सेप्ट था एन का एन के बारे में जिनको नहीं जानकारी है तुम तो उनको बता देना चाहता हूँ कि मैंने इसके ऊपर में क्लास ले रखी है बहुत पहले आप जाके पढ़ सकते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर में पूरा मैंने अच्छे से सत्रह मिनट की क्लास है पूरा अच्छे से मैंने कवर अप कर रखा है कुछ भी नहीं छोड़ा है एन के अंदर में जो भी स्कीम चल रहा है जो जब से इस इसको लाया गया पार्लियामेंट कमेटी के, के अंदर में सब कुछ कवर अप किया तो आप जाके देख लेना तो मेरा सवाल पहले ये हो रहा है मन में ना कि भैया जी जिस एफोर्डेबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं क्या वास्तविकता में वो एफोर्डेबिलिटी है सवाल कह रहा है तो ये चीजें आ रही हैं तो यहां पे मेन है कि सरकार का एम ये था कि हम यहाँ पे जो एक्सेसिबिलिटी एफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे ए थ्री प्रोवाइड कर रहे थे एन एफ एस एनि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में उन्होंने कहा कि जो हमारे पुअर सेक्शन है वर्लेबल सेक्शन है उनको अब हम क्या करेंगे मुफ्त अनाज वितरण करेंगे तो ये किसके द्वारा कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कंज्यूमर अफेयर एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा यहां तक कि कैबिनेट ने एक बात अपनी और रखी क्या रखी कि हो सकता है हो सकता है 2024 याद रखिएगा हो सकता है 2024 के अंदर में जो हमारी केंद्र सरकार है उनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च किया जाए जिसका नाम है वन नेशन वन प्राइस एंड वन राशन ये स्कीम को लॉन्च किया जाएगा लेकिन ये स्पष्ट कर दिया गया कि अगर इस स्कीम को लॉन्च किया गया तो ये कंप्लीटली सेंट्रल स्कीम होगी यानी इसमें जो फंडिंग की जाएगी वो हंड्रेड परसेंट केंद्र सरकार करेगी अपने जेब से ठीक है तो ये चीजें मैंने जोड़ी है एक्स्ट्रा लाके आपके साथ क्योंकि ये चीजें न्यूज में थी तो मैंने सोचा एक अलग टॉपिक इसके ऊपर क्या बनाना इसको भी इसमें कवर अप कर दो तो याद रखिएगा कि वन नेशन वन प्राइस वन राशन हो सकता है ऐसा स्कीम 2024 के अंदर में लॉन्च कर दे केंद्र सरकार लेकिन भैया जी अभी जो लॉन्च किया है ना ये तो कतई खतरनाक है कि जो अनाज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर में दो रुपए तीन रुपए चार रुपए किलो अनाज मिल रहा था उसको अब पूरे तरीके से कंप्लीटली फ्री कर दिया गया है एक जनवरी 2023 से और वो भी पूरे एक साल के लिए यानी 31 दिसंबर 2023 तक के लिए तो आप देख सकते हैं मैं साफ साफ देख रहा हूं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल यहां पर कहा गया है कि ये जो स्कीम है ये एक जनवरी से लेके एक इकतीस दिसंबर दो हजार तेईस तक चलेगा जिसमें भारत सरकार जो हमारे केंद्र सरकार है वो कंप्लीटली अपना खर्चा उठाएगी इसके ऊपर में तो एन के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जाके पढ़ सकते हैं साथ ही साथ वन नेशन वन राशन कार्ड के ऊपर में भी आप लोग जाके इसके ऊपर जानकारी ले सकते हैं इसको मैंने सोचा पहले शॉर्ट्स के अंदर मैं कवर कर दो लेकिन शार्ट सेकंड में कुछ मजा नहीं आता इसको पढ़ने में जितना चर्चा करके पढ़ने में यहाँ मजा आएगा ना फुल वीडियो में वो मजा आपको अभी शॉर्ट्स के अंदर में नहीं आएगा क्योंकि मैं शॉर्ट्स कोशिश करता हूँ उसी का बनाना जो न्यूज में चल रही है जिसको मैंने चाहे तो ऑलरेडी कवर अप कर दिया है जैसे मैंने अपनी स्कीम अभी आपका स्कीम शॉर्ट्स मैंने चला रही सरकारी योजना शॉर्ट्स उन सरकारी योजना शॉर्ट्स के अंदर में मैं वो पढ़ा रहा हूं जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आर यू गेटिंग कि जो योजना सीरीज के जो शॉर्ट्स में मैं वो पढ़ा रहा हूं जो मैंने ऑलरेडी लॉन्ग वीडियोस के अंदर में बता रखा है ताकि किसी भी बच्चे को ये प्रॉब्लम ना हो सक उनका 60 सेकंड में बस ये रिवीजन के लिए मैंने बनाया है कि जो प्री से पहले रिवीजन का टाइम बहुत कम होता है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये शॉर्ट्स बनाए हैं ताकि आप जाके फटाफट रिविजन कर लेना उसमें मैंने बेसिक बेसिक चीजें बता दी हैं फंडिंग कैसे होती है कहाँ पे पहले लॉन्च किया गया था बाकी अगर डिटेल जाना है तो आप योजना सीरीज वाले लॉन्ग वीडियोस के शॉर्ट उसमें जाना प्लेलिस्ट में जो मेरे चैनल पे मिलेगी वहां पे आप जाके उस चीज को एक्सेस करना और जो भी आप योजना चाहो पढ़ सकते हो ठीक है तो यहाँ पे और क्या कहा गया कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में जो बेनिफिशरीज है जैसे अंत्योदय अन्य योजना हाउस होल्ड प्रायोरिटी हाउस होल्ड इनको क्या मिलेगा इनको मुफ्त राशन मिलेगा ठीक है पूरे एक साल के लिए इसमें 5.33 लाख जो यहाँ पे फेयर प्राइस शॉप है वो कवर किए जाएंगे अच्छा ये फेयर प्राइस शॉप क्या होते हैं बहुत बच्चे ने मेरे से ये सवाल किया है बहुत सारे बच्चों ने कि भैया जी ये बताइए हमको सर आपकी फेयर प्राइस शॉप क्या होता है देखिए आपको पता है कि मार्केट में अगर आप राशन लेने जाते हो तो किसी दुकान पर से जाते हो ठीक है आपको मन करता है तो आप इस दुकान से ले लेते हो नहीं तो, तो दूसरे वाले दुकान से ले लेते हो ठीक है आपको मन करता है आप तिवारी जी के यहाँ से ले लेते हो आपको मन करता आप पांडे जी के यहाँ से ले लेते हो तो आपका जहां मन करता है आप वहां जी नहीं तो आप मिश्रा जी के यहां ले लेते हो तो। लेकिन 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 ये जो फेयर प्राइस शॉप होते हैं ये डिसाइड किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा यानी जिनको लाइसेंस दिया जाता है कि आप इस पीडीएस सिस्टम यानी एक तरह का वो पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही होता है जहां पे जाके जो भी हमारे अंतोदया अन्य योजना के अंदर में एलिजिबल है पायर्टी हाउस होल्ड के अंदर में एलिजिबल है पर्सन वो जाके वहां पे क्या करते हैं मुफ्त अनाज अब ले सकते हैं पहले तो वो अफोर्डेबल प्राइस पे लेते थे बट अब मुफ्त अनाज ले सकते थे लेकिन दूसरी बात ये है कि देखिए जो आपका मार्केट प्राइस है, माने तीस किलो मिल रहा है तो इन लोगों को दो रुपए तीन रुपए किलो मिलता था तो ये जो फेयर प्राइस है ना जो मार्केट प्राइस से कम में जो दुकानों पे सामान मिल रहा है यानी फेयर रेट पे मिल रहा है गरीबों के लिए इसीलिए इसका नाम फेयर प्राइस शॉप रखा गया है ठीक है तो ये फेयर प्राइस शॉप कुछ नहीं ये सेलेक्टेड शॉप होते हैं जो भारत सरकार द्वारा ही तय किए जाते हैं कि भैया जी इन इन जगहों पे पीडीएस सिस्टम के अंदर में अनाज का वितरण किया जाएगा ओके तो समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि बहुत बच्चे हैं कि देख लेते हैं सौ सौ व्यूज चले जाते हैं दो सौ तीन सौ हजार व्यूज चले जाते हैं लेकिन बच्चे लाइक नहीं करते हैं तो लाइक कर दो यार एक लाइक से कुछ नहीं जाएगा आपका सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ओके okay, तो न्यू इंटीग्रेटेड स्कीम बनाया गया है मैंने बोला ना इंटीग्रेटेड स्कीम का मतलब क्या हुआ कि दो स्कीम को जो फूड सिक्योरिटी सब्सिडीज अब स्कीम चल रहा है भारत सरकार का दो उसको मिला के एक में मर्ज कर दिया गया है ठीक है इसमें भारत सरकार का कितना कुल cool खर्चा आएगा तो लगभग दो लाख करोड़ तक का यहाँ पे खर्चा खर आएगा एक पॉइंट मैंने इसमें ऐड नहीं किया वो ये ऐड कर देता हूँ यहाँ पे कि एक इंफॉर्मेशन मैंने और शायद ऐड नहीं की है यहाँ पे मेंशन किया है क्या नहीं तो मैं बता देता हूँ खर्चा तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे जो मैं ट्विस्ट की बात कर रहा था हाँ वो ट्विस्ट वाली इन्फॉर्मेशन तो मैंने जान के नहीं ऐड की किया याद आया मैं तो भूल गया था कि कुछ ट्विस्ट करना था आपके साथ देखिए ट्विस्ट ये है कि जब आप पढ़ोगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में ठीक है जब आप जाके मेरी वीडियोज देखोगे तो उसमें ये कहा गया है कि जो पर पर्सन है ना उनको कितना अनाज मिलेगा थर्टी फाइव पर मंथ ठीक है

ठीक है तो आपको डिफरेंस एक चीज तो दिखा यहां इट इज डिफरेंस इट इज अज डिफरेंस आर यू गेटिंग यहां पे मुफ्त अनाज देने की बात कही गई है बिल्कुल और कोई दिक्कत नहीं है ऐसी स्कीम्स में बहुत फायदे होंगे लोगों के लेकिन आपको

तो ये था बिग ट्विस्ट आपके साथ तो यहाँ मुफ्त राशन का वितरण किया जाएगा साफ साफ बयान दे दिया गया है और चालू हो चुका है एक जनवरी 2023 से और एक इकतीस दिसंबर 2000 आपका ये जाएगा 2023 तक तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी गवर्नमेंट एक्सटेंड करे इलेक्शन हो और भी तमाम तरह के मुद्दे हैं तो आपसे यूपीएससी में से अगर सवाल आएगा तो आप ऐसे ही लिखना क्योंकि देखिए ये सब चीजें करंट में बहुत ज्यादा चर्चा में आ रही है वन वन नेशन राशन कार्ड तो हो सकता है कि प्रीलिम्स के अंदर में जो 2023 में प्रिपरेशन कर रहे हैं और 24 में भी जो कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आ जाए प्री या मेन्स के अंदर में ठीक है तो प्री के अंदर में हो सकता है वन नेशन वन राशन कार्ड से आ जाए यही स्कीम के बारे में आ जाए क्योंकि देखिए अभी आपका जनवरी है एग्जाम तो मई में होना है तो हो सकता है कि यूपीएससी वाले इसके बारे में पूछ लें तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम था तो ये आपको जानना था ठीक है तो मैंने ये करा दिया आशा करता हूं वीडियो आपको समझ में आ गई होगी अगर आ गई है तो एक बार प्लीज वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरे रिलेटिव आप तक पहुंचते रहे शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही है योजना सरकारी योजना शॉर्ट्स चल रही है तो आप जाके देख सकते हैं तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान मुझे दिया गया धन्यवाद जय हिंद जय भारत